जम्मू से इस समय की एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताने चले कि जम्मू ज़िले की पक्काडंगा पुलिस के हाथ में एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें एक लड़की और दो लड़कों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इस लड़की का और इसके साथ जो दो लड़के हैं उनका अगर आप जनाब कारनामा सुनेंगे तो यकीनन तौर पर आपके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार अब लड़कियां जो है वो किस तरह का काम जो है वो करने लगी हैं। अफसोस की बात है कि पंजाब की रहने वाली ये लड़की और इसके साथ साथ दो लड़के बताए जा रहे हैं, जो कि पंजाब के मुकेरियाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जनाब वहाँ से लगभग आधा किलो से ज़्यादा के करीब जो चिट्टा था वो लेकर ये जम्मू में यहाँ पर पहुँचे थे और उसको आगे जो है वो इन्होंने किसको सप्लाई करना था ये तो एक जांच से जुड़ा पार्ट है और उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन ऐसे में सैल्यूट है पक्काडंगा पुलिस को और खासकर एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी को, जिनके आने के बाद लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ एसपी शिवम सिदार जी को और एसडीपीओ देवेंद्र सिंह बंदराल जी को और खासकर जो पक्काडंगा थाने के थानेदार हैं और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काबिल तारीफ काम किया है, जिसकी जितनी तारीफ करें उतना कम है। लेकिन ऐसे में जनाब हैरानगी की बात है कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको बताने चले कि जम्मू जिले की पक्काडंगा पुलिस ने जो है वो यहाँ पर इस लड़की को गिरफ्तार किया है, जो कि पंजाब की रहने वाली यहाँ पर बताई जा रही है। और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस ने शुरू कर दिया और फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जनाब आखिरकार ये जो है वो कौन है और ये लड़की जो है वो कहाँ की रहने वाली है और आखिरकार इसके पास ये जो है वो इतना ज़्यादा ये जो भी नशा था ये जो है वो कहाँ से आया है। तो फिलहाल आप जनता भी अपने सुझाव इस पर ज़रूर दें कि आखिरकार जनाब अब लड़कियाँ जो है वो किस तरह का काम करने लगी है। हालांकि इससे पहले जम्मू के गांधीनगर पुलिस ने जो है वो एक लड़की को जो है वो गिरफ्तार किया था। तो फिलहाल आपको बताने चले कि ये पूरी खबर जो है वो जम्मू से सामने आ रही है। यहाँ पर जम्मू जिले की पक्काडंगा पुलिस ने एक पंजाब की लड़की और उसके साथ साथ दो लड़कों को गिरफ्तार किया है और ऐसे में इनके पास से लगभग आधा किलो से ज़्यादा चिट्टा जो है वो बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करोड़ों में जो है वो बताई जा रही है। तो आप जनता भी अपने सुझाव जरूर दें कि आखिरकार अब लड़कियाँ भी ऐसा काम करने लग पड़ेंगी तो आने वाले हालात हमारे इस मुल्क के जो है वो कैसे बन सकते हैं। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा मैन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।